हल्द्वानी की, जहां पर प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल युवा इकाई के जिला अध्यक्ष सौरभ भट्ट ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने क्षेत्र की सड़कों की बदहाल स्थिति को देखकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। तिकोनिया स्थित बुद्ध पार्क में भूख हड़ताल पर बैठे सौरभ भट्ट का कहना है कि लगातार खस्ताहाल सड़कें लोगों को हादसे का शिकार बना रही है। वहीं शासन प्रशासन का इस और कोई ध्यान नहीं है, उन्होंने ना ही इनका कोई अभी तक ध्यान दिया है और ना ही रोडों की मरम्मत करवाई है। उनका अनशन तभी तक चलता रहेगा जब तक कि सड़कों की हालत नहीं सुधारी जाती। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सबसे पहले आपके सम्माननीय चैनल के माध्यम से आज जो हमारा एक विशेष दिन है 2 अक्टूबर का, पूज्य बापू जी का जन्मदिन है, आज पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, जिनको हम ईमानदारी के एक प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं, और आज ही के दिन क्योंकि गांधी जी ने भी जो है खुद में कष्ट सहकर जो है देश की आज़ादी के लिए, देश के लोगों को जागरूक करने के लिए आंदोलन किए, उसी प्रेरणा को लेते हुए आज ही के दिन से हमने प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का, मैं जिला युवा अध्यक्ष हूँ, हमने जो सड़क की जो हल्द्वानी सड़क की जो सड़कें हैं और जो संपर्क मार्ग हैं उनकी बुरी स्थिति के कारण जो आए दिन की दुर्घटनाएँ हो रही है उनकी रोकथाम के लिए, उसके लिए हमने इनको 15-16 दिन पहले एक चेतावनी भी दी थी कि अगर 30 सितंबर तक सड़कें नहीं दुरुस्त की जाती है तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, और मजबूरन आज हमको वो दिन आ गया है कि भूख हड़ताल के लिए बैठना पड़ा है।